तो कैसे हो आप? 1970 में एक फिल्म आई थी, राजेश खन्ना, शर्मिला टैगोर स्टारर, फिल्म का नाम था सफ़र। गीतकार थे इंदिवर और संगीतकार थे कल्याण जी आनंद जी। उसमें लता दीदी का एक बहुत ही मशहूर गाना था, हम थे जिनके सहारे वो हुए ना हमारे, डूबी जब दिल की नैया सामने थे किनारे। कुछ ऐसा ही हाल वंचित मच्छीमार हाजी अली सोसाइटी के साथ हुआ है। ये मछुआरे, 600 मछुआरे पिछले 300 साल से अपना मच्छी का कारोबार कर रहे थे, लेकिन जब से ये कोस्टल रोड का काम चालू हुआ इनकी मईशत पूरी तरीके से तबाह बर्बाद हो गई। सेंट्रल गवर्नमेंट ने भले ही इनको काफ़ी अश्योरेंसेस दिलाए, मेरी एम पॉलिटिकल पार्टी ने भी इनके लिए काफ़ी मेहनत की, काफ़ी कॉरेस्पॉन्डेंस किया। मुझे कल ही 2 जनवरी 2021 को ऑनरेबल श्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से एक लेटर आया, मुझे MCGM की तरफ से लेटर आया, लेकिन अभी तक इनका कोई भी पुरसराने हाल नहीं हुआ है। आज मैं मिस्टर संजय बेकर जो सेक्रेटरी है एज वेल एज अलाउद्दीन खान जो प्रेसिडेंट है उनको मैं इनवाइट करता हूं और वो अपने तरीके से आपको अपनी आपबीती बताएंगे। नमस्कार, मैं वंचित मच्छी मार का सचिव संजय बेकर बोल रहा हूं। यह हमारे पूर्वजों से जो मच्छी का धंधा चल रहा था और जो 2-2.5 साल से जो भरावन चालू कर दिया है वो लोग ने, कोस्टल वाले ने, और हम लोग उनको बोल रहे थे कि हमारे पूरा मछुआरे का जो आप भरनी कर रहे हैं वह हम लोग मच्छी मारते थे, लेकिन उन्होंने एक भी नहीं सुनी। वो लोग डायरेक्ट भरनी करते करते जा रहे थे और खांडी के अंदर यानी कि हाजली बंदर के अंदर, लोटस बंदर के अंदर भी वो लोग ने भरनी किया और हमारा 68 पाक वो लोग ने दफन कर दिया। और हम लोग पुलिस स्टेशन में गए तकरार करने के लिए, तो वो लोग बोले कि सेंट्रल गवर्नमेंट के काम के ऊपर आप लोग क्या कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं। और भाजपा सरकार ने भी हम लोग को पूरा आश्वासन दिया था, लेकिन वो लोग ने भी हमारा कुछ भी ऐसा किया नहीं। सुप्रीम कोर्ट के तरफ से भी उनको रोकने के लिए बोले थे, लेकिन वो लोग अंधाधुंध काम चालू कर रहे हैं। कोई मछुआरे को लेके विश्वास में लेके काम नहीं कर रहे, या कोई भी ऐसा नहीं बोल रहे कि चलो मछुआरे लोग हैं, गरीब है, इनके ऊपर कोई बहुत बड़ी आपत्ति आएगी, लेकिन ऐसे वो लोग ने कुछ ऐसा किया नहीं। लेकिन तो भी वो लोग अपने हद से कम बाज नहीं आ रहे। ऊपर से हम लोग उनको कोस्टल वाले लोग को बोलते हैं कि हम लोग कम से कम हम लोग को रह रहा वोट चढ़ने की जगह दो, तो वो लोग हमारे नाम की कंप्लेंट करते हैं, पुलिस वाले हमारे के पुलिस वाले जब आते हैं तो एक नहीं थे 10-12 जन लेके आते, जैसे कि हम लोग आतंकवादी या गुंडे है क्या है, हम लोग खुद को नहीं मालूम पड़ रहे। लेकिन हम लोग अपने जो हमारे बोट है पूरे जैसे चलता है धंधा है, और हम लोग ने इंजन का बोट है वो चढ़ाने का किधर, वो भी हम लोग को बुला नहीं दिया गया, तो क्रोशर वर्ल्ड की तरफदारी करके हम लोग से बात करते रहते हैं कि तुम लोग अड़चन कर रहे हो, तुम लोग अंदर डालेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। ऊपर बहुत कुछ मगजमारी किया। गए चौबीस तारीख को 10वां महीना अक्टूबर में वो लोग ने बिना परमिशन का JT आख का पूरा खाली कर दिया, और हम लोग पूछे क्योंकि अपने नोटिस वगैरह हम लोग को दिया नहीं, तो बोलता है ये नोटिस के लिए वो बोलते मच्छी का जगह नहीं है, ये मच्छी का JT नहीं। तो हम लोग को जो परवाना दिया है 3 साल का वो किसने दिया है, JT नहीं तो वर्ली लोटस लिखा क्यों वो परवाने के अंदर? 3 साल का हम लोग को परवाना दिया है, VR से हम लोग लीगली है, हम लोग पूरा सरकारी डॉक्यूमेंट के साथ यहाँ रह रहे हैं, तो बोलते तुम लोग को बोले JT नहीं है। वो मेरी टाइम वाले बोर्ड बोल रहे हैं, BMC वाले हम लोग को डांटते तुम्हारे बापियों तो जगह नहीं है, इधर का तो तुम लोग ने वोट चढ़ा के रखा है, ये नहीं वो नहीं क्या, ये वो तो गणपति विसर्जन का स्पॉट है। हम लोग सब त्यौहार के अंदर हम लोग जितने त्यौहार रहते हैं उतने हम त्यौहार के लिए हम लोग मछुआरे लोग टोटल हम लोग उनको मदद कर देते, और विसर्जन के लिए हम लोग हमारा खुद का जेब का पैसा डाल के हम लोग डीजल लेके आते हैं और हम लोग विसर्जन करते, तो भी ये लोग बाज नहीं रहे। और अभी भी और कुछ बात करने का है, अभी हमारे अध्यक्ष अलाउद्दीन खान है, उनके साथ भी आप जरा बात करें। नमस्कार, क्या है
पहले तो आप लोग को धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग हमारी फरियाद सुनके हमारे कुछ तकलीफ की सुनवाई कर रहे हैं। हम मछुआरे लोग बहुत परेशान हैं और इतने परेशान हैं कि हम लोग का कोई रास्ता है हम लोग को नज़र नहीं आया। इस लोग हमारे मछुआरे इतने परेशान हैं कि कहाँ जाए कहाँ नहीं जाए, सब रोजी रोटी टोटल बंद हो चुका है। और जिस जगह पे हम लोग का कारोबार चलता था वो जगह से खाली करवाने का पूरी तरह से उन लोग का इरादा हो गया। जबकि आने मतलब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था जस्टिस बोबड़े साहब ने आदेश दिया था कि आप लोग मछुआरे लोग को लेके ये हॉस्टल का काम का निर्माण करना, उन लोग को तकलीफ देना नहीं। मगर ये काम ऐसा हो रहा है कि मछुआरे लोग को टोटल तकलीफ दिया जा रहा है। देश का तरक्की हम लोग भी चाहते, ऐसा नहीं कि देश का तरक्की नहीं चाहते, पर देश की तरक्की हम लोग को मार के अगर देश की तरक्की करना तो ये तो कहाँ का इंसाफ नहीं। देश की तरक्की ऐसा कोई भी इंसान नहीं है भारत का नागरिक जो इंसान का देश की तरक्की नहीं चाहे, पर हम मछुआरे को दफन करके या उनको ख़त्म करके देश की तरक्की होगी तो ये अगर ये इंसाफ है तो हम लोग को मार दीजिए हम सबको। तो हम लोगों को न्याय मिले किसी भी ढंग से, हमारी रोजी रोटी चालू हो, हम लोग का जो जगह है वो कहीं ना कहीं सेटल करें। हम नहीं चाहते कि काम पूरी तरह से बंद हो या देश की तरक्की रुके। देश की तरक्की किसी के ख़िलाफ़ नहीं है, हम लोग चाहते हैं कि देश के इंसान, देश के अंदर के जो नागरिक लोग हैं उनको ले के काम करें। अगर उनको कोई परेशानी है तो उसका परेशानी को हल किया जाए, पर इसमें कोई सुनवाई ना तो यहाँ के हमारे मुख्यमंत्री साहब सुनते हैं और ना तो उनके कोई अधिकारी या उनके हाथ के नीचे के कोई हमारी कोई सुनवाई के लिए, कोई हमारी खबर लेने के लिए भी आज तक नहीं आया। यानी मतलब बल्कि पुलिस स्टेशन जो है हमारे एरिए के, उनका काम है कि लफड़ा ना हो, झगड़ा ना हो। अच्छी बात है, पुलिस देश का अंदर का गुंडागर्दी ख़त्म रखने का उनके ऊपर जिम्मेदारी है कि कहीं लफड़ा, मगर अगर पुलिस स्टेशन ही अगर हमको धमकाएगा कि हमको कोई तकलीफ के सुनवाई नहीं करेगा तो हम जाए किधर? हमारे पास जाने के लिए कोई साधन नहीं। यहाँ तक कि मैं जाके ऐसा कोई कंप्लेंट दे नहीं सकता हूँ क्योंकि मेरे खिलाफ़ ही कुछ ना कुछ उन लोग प्लान बना के, पुलिस को भी अपने हाथ में लेके मेरे खिलाफ ही कोई ना कोई प्लान बना के रखा कि इनको अंदर ले जाए। यहाँ तक कि मुझे धमकी भी दिया गया है कि तू इस मैटर में गिरना नहीं, तो अब अगर मैं नहीं गिरूँगा तो कौन गिरेगा? मैं चाहता हूँ कि मैं नहीं गिरता हूँ, आप लोग इनकी सुनवाई लो किसी भी ढंग से, इनका रास्ता बनाओ। पर रास्ता बनाने को तैयार नहीं है, उनका से पूरी तरह से वो जेटी को खाली करवाने के प्लान है। और मैं सेंट्रल गवर्नमेंट और हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उनसे निवेदन करता हूँ और फरियाद करता हूँ कि हमारी सुनवाई करें। हम मछुआरे लोग हैं, हम लोग भी इंसान हैं। अगर हम लोग इंसान नहीं है तो आप लोग मार दीजिए वहाँ से, हम लोग को बंद कर दीजिए सब लोगों को, कि हमारे साथ में जो जुलूम हो रहा है वो हद से बाहर हो गया है। इसलिए रोजी रोटी जो हमारे बाल बच्चे लोग हैं वो घर से बेघर भी हो रहे हैं, और दूसरी बात हमारे पास दूसरा कोई नौकरी का या काम धंधे का साधन नहीं है। हमारा साधन जो है वो टोटल दरिया से, और वो दरिया का ही पूरा हिसाब किताब करके ख़त्म कर दिया जाएगा तो हम लोग जाए किधर, किससे फरियाद करें? आप लोग माए बाप है, समझदार है, हो सकता है कि बीच में कोस्टल रोड वाले लोग पैसा खिला पिला के कुछ गुंडे लोग को पाल के रखे हैं, वो हमारे को धमकाते भी है, पर इनकी सुनवाई पुलिस स्टेशन नहीं करती हमारे साथ। हम चाहते हैं कि हमारे साथ में पुलिस कोऑपरेट करे और पुलिस इसकी खैर खबर ले बरबर। अभी आपने सुना मिस्टर संजय बेकर सेक्रेटरी एंड मिस्टर अलाउद्दीन खान प्रेसिडेंट, ये कह रहे थे कि ये लाइसेंस होल्डर है, ये इलीगल फिशर नहीं है, इनके पास लाइसेंस है, इनके पास सदियों पुराना गवर्नमेंट का इशू लाइसेंस है। आज इनकी मेहनत की बदौलत हमने मुंबई वासियों को फ्रेश मछलियां मिलती थी, अगर इनका सफाया हो गया तो ये समझ लीजिए फिर वो सब इंपोर्ट होंगी मछलियां, पुरानी बासी वही हमको फ्रीज़र की मछलियां खाना पड़ेंगी। मछली सेहत के लिए बेहद ज़रूरी है, मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ इनको, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मस्ट बी सपोर्टेड देम। इनके बारे में कुछ विचार करो
इनकी फलाह बहबूद के लिए विचार करो, इनकी बीवी बच्चों की उनके बच्चों की एजुकेशन के लिए विचार करो और इन्हें मुकम्मल तौर पे खात्मा मत करो।